दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस नयनतारा के बारे में। नयनतारा साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं और जवान मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल करने से उनकी बॉलीवुड में बड़ी पहचान बन गई। नयनतारा का फिल्मी करियर तो दिलचस्प है ही, साथ ही जानने लायक है उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज भी। क्यों एक एक्टर की वाइफ उनके खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली थी, क्यों उन्होंने अपना धर्म बदला, कैसी रही उनकी प्रभुदेवा के साथ लव स्टोरी और ब्रेकअप की कहानी, किसने उन्हें लातों से मारने की बात बोली और किसने उनकी पर्सनल फोटोज लीक की, वीडियो में हम उनके बारे में सब कुछ जानेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दोस्तों, नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को बेंगलोर कर्नाटका में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। उनका रियल नेम डायना मरियम कुरियम है। नयनतारा के पिता डिफेंस सर्विस एयरफोर्स में थे, इसी वजह से उनकी परवरिश हिंदुस्तान के अलग अलग कई शहरों में हुई। नयनतारा का जन्म जरूर साउथ में हुआ था, पर वो ज्यादातर साउथ कल्चर और फिल्मों से अलग रहीं। इसकी वजह थी उनके पिता की पोस्टिंग, जो ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन जगहों पर रही और इन्हीं सब जगहों से उनकी पढ़ाई हुई। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद नयनतारा ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई केरला से की और कॉलेज के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ ही टाइम में नयनतारा एक फेमस मॉडल बन गई थीं। साल 2003 में एक मलयाली फिल्म मेकर सचिन को नयनतारा के बारे में पता चला। उन्होंने नयनतारा की मॉडलिंग फोटोज देखी, उन्हें नयनतारा बहुत ज्यादा पसंद आई। उनकी टीम ने नयनतारा को कॉल की और एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा। नयनतारा तैयार हो गई, फिर उनका ऑडिशन हुआ और वो फिल्म में सिलेक्ट कर ली गई। उस समय मॉडलिंग के साथ साथ नयनतारा सीए की पढ़ाई कर रही थीं। नयनतारा के लिए फिल्म में सिलेक्ट हो जाना एक सपने जैसा था, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले तक ये सोचा ही नहीं था कि उन्हें कोई मूवी मिल जाएगी। साल 2003 में नयनतारा की डेब्यू फिल्म आई मनुष्य नक्कारे, जिसके लीड एक्टर जयराम थे। नयनतारा की पहली मूवी ही बहुत बड़ी हिट रही। मूवी लगभग 100 दिनों तक सिनेमाघरों में टिकी रही। नयनतारा को उनकी पहली मूवी से ही काफी फेम मिल गया था, स्पेशली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तो उन्हें हर कोई जानने लगा था। दोस्तों, इस फिल्म के तुरंत बाद उन्हें और भी दो मलयालम फिल्में मिल गईं, जो साल 2004 में रिलीज हुई थीं। साल 2005 में अय्या मूवी से नयनतारा का तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ। साल 2005 में ही नयनतारा को मिला मौका सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने का। ये मूवी थी चंद्रमुखी। ये मूवी बड़ी सक्सेसफुल रही और इस मूवी ने नयनतारा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस बना दिया और साथ ही उन्हें देश भर में प्रसिद्धि मिल गई। कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद नयनतारा ने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम कर लिया था, जो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट थी। इस फिल्म में नयनतारा का काम भी बहुत सराहनीय रहा था और फिल्म की सक्सेस में नयनतारा का एक अहम रोल था। इस मूवी के बाद नयनतारा को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। मलयाली फिल्मों से शुरुआत करने वाली नयनतारा को कुछ ही फिल्मों के बाद पूरी साउथ इंडस्ट्री जानने लगी। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ हर जगह से फिल्मों के ऑफर आ रहे थे और वो जितना हो सकता था काम कर रही थीं। नयनतारा अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करना चाहती थीं, लेकिन जिस रफ्तार से उन्हें सक्सेस और काम मिला, वो अपनी पढ़ाई की तरफ जा ही नहीं पाईं। और फिर डिग्री की कोई खास जरूरत भी नहीं होती, एक्टिंग एक टैलेंट होता है जो किसी डिग्री का मोहताज नहीं। नयनतारा का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, वो सक्सेस पाती ही जा रही थीं, लेकिन इसी बीच इनकी जिंदगी में आए कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर प्रभुदेवा। नयनतारा प्रभुदेवा के साथ रिलेशनशिप में आ गईं। प्रभुदेवा के साथ रिलेशन में आना उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला था। ये कहानी शुरू हुई साल 2009 से, जब नयनतारा प्रभुदेवा की ही फिल्म बिल्लू में काम कर रही थीं। उस वक्त प्रभुदेवा शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे।
फिर भी प्रभु देवा नयनतारा को डेट करने लगे। नयनतारा जितनी खूबसूरत उस टाइम शायद ही कोई एक्ट्रेस हो, इसीलिए प्रभु देवा भी खुद को रोक नहीं पाए। इन दोनों के रिश्ते की खबरें इंडस्ट्री में जोरों शोरों से चल रही थीं। हालांकि ये दोनों अपने रिश्ते पर कुछ नहीं बोल रहे थे, जिसकी वजह प्रभु देवा का शादीशुदा होना ही था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू में प्रभु देवा ने ऐसी बात बोल दी जिससे काफी हंगामा हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, नयनतारा मेरी जिंदगी में एक खास जगह रखती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद ये चर्चा चलने लगी कि प्रभु देवा अपनी वाइफ लता को तलाक देकर एक्ट्रेस नयनतारा से शादी करने वाले हैं। जब प्रभु देवा की वाइफ के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने प्रभु देवा और नयनतारा के खिलाफ पटीशन दर्ज करा दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे पति नयनतारा के साथ शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूं और मुझसे उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। नयनतारा की वजह से मेरे पति ने मुझसे दूरियां बना ली हैं, वो अपने बच्चों से भी अलग हो गए हैं। नयनतारा को तुरंत अरेस्ट किया जाए, अगर नयनतारा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। इस कंट्रोवर्सी के चलते इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आर्टिकल और न्यूज छप रहे थे। इस सबसे बहुत से लोगों में नयनतारा की इमेज खराब हो गई और कुछ जगह उनके पुतले भी फूंके गए। एक इंटरव्यू में लता ने ये तक बोल दिया था कि अगर नयनतारा मुझे कहीं दिख गई तो मैं उसे थप्पड़ से मारूंगी और लातों से। इधर बात करें नयनतारा की तो नयनतारा इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी और वो सच में प्रभु देवा से शादी करने की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, यहाँ तक नयनतारा का नाम डायना ही था और वो क्रिश्चियन थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और वो बन गई हिंदू। उन्होंने अपना नाम रखा नयनतारा। नयनतारा ने अपना धर्म क्यों बदला इसका उन्होंने कभी खुलासा नहीं किया, लेकिन खबरें ये थीं कि प्रभु देवा के लिए उन्होंने अपना धर्म बदला था। नयनतारा प्यार में थी, लेकिन ये रिश्ता और आगे नहीं जा पाया। हुआ ये कि प्रभु देवा ने उन्हीं दिनों बॉलीवुड की तरफ रुख किया, वो मुंबई आ गए और उनके साथ आ गई नयनतारा भी, और वो मुंबई आकर प्रभु देवा के साथ लिव इन में रहने लगी। जिस जगह पर नयनतारा स्टार थी वो उस इंडस्ट्री को छोड़ आई थी, लेकिन अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर प्रभु देवा को उनकी कमी महसूस होने लगी। वो शूटिंग का बहाना बना बनाकर अपनी फैमिली से मिलने जाने लगे। नयनतारा अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। वो जिस प्यार के लिए अपने स्टारडम को छोड़ आई थी वही प्यार अब उनसे ऊब गया था और साथ नहीं रहना चाहता था। नयनतारा ने लंबे समय तक काम नहीं किया और वो उसी तरह लाइफ स्टाइल से जी रही थी, इसीलिए उनका बैंक बैलेंस खत्म हो गया। इस तरह से नयनतारा की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ गईं। एक दिन नयनतारा ने प्रभु देवा के साथ अपना रिश्ता टूटने की बात सबको बता दी। उन्होंने कहा, अब मैं और प्रभु देवा साथ नहीं हैं। इसके बाद नयनतारा फिर से साउथ इंडस्ट्री में चली गईं और उन्हें जो फिल्म ऑफर हुई उनमें काम करने लगीं। नयनतारा सब कुछ भूलकर आगे बढ़ ही रही थीं, पर साल 2014 में उनको एक और बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। दरअसल कई साल पहले उनका सिम्बू नाम का एक बॉयफ्रेंड था। सिम्बू साउथ का एक फेमस नाम था। नयनतारा उसके साथ रिलेशनशिप में रही थीं। साल 2014 में नयनतारा की सिम्बू के साथ कुछ पर्सनल फोटोज लीक हो जाती हैं। ये काम सिम्बू ने ही किया था। इन वायरल फोटोज की वजह से नयनतारा को उनके फैंस द्वारा बहुत उल्टा सीधा सुनने को मिला। इन दो रिलेशनशिप की वजह से नयनतारा इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उनका इन सबसे विश्वास ही उठ गया था। अब वो इन चीजों से दूर रहकर सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना चाहती थी। बेशक नयनतारा एक बेहतरीन, टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, वो अपने किरदार को निभाती नहीं जीती हैं। उन्होंने बहुत शिद्दत से अपने काम को करना शुरू कर दिया और वो फिर से साउथ इंडस्ट्री की एक स्टार एक्ट्रेस बन गईं। नयनतारा किसी से रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थीं, लेकिन हर बार जिंदगी वो नहीं चाहती जो आप चाहते हैं।
शायद जिंदगी आपकी उम्मीदों से भी बेहतर आपके लिए तैयार करे बैठी हो। साल 2015 में नानुम रावडी धाम नाम की एक मूवी में नयनतारा ने काम किया। विग्नेश और नयनतारा की दोस्ती हो गई। इस दोस्ती के कुछ ही टाइम बाद नयनतारा को ये एहसास हो गया कि विग्नेश एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इस तरह ही उनका रिश्ता गहरा होता गया और कुछ साल बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। साल 2020 में नयनतारा और विग्नेश ने सगाई की और 9 जून 2022 को दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, कुछ समय पहले तक नयनतारा साउथ की स्टार थीं, लेकिन शाहरुख खान के साथ जब उन्होंने सुपरहिट मूवी जवान में काम किया तो वो हिंदुस्तान की जानी मानी एक्ट्रेस बन गईं। दोस्तों, नयनतारा ने वैसे तो सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट मूवीज की बात करें तो चंद्रमुखी, जवान, नेत्रकन, दरबार, सायरा नरसिम्हा रेड्डी, लेडी टाइगर, मेरा रक्षक, गॉडफादर, निजल, डोरा बिगिल, श्रीराम राज्यम, ऐरा माया, कासमोरा बॉस, तुलसी अया, सुपर सिम्हा, कुलेशन, अमर बम, विश्वासम, योगी बिल्ला एगन, ये फिल्में रहीं। दोस्तों, नयनतारा खूबसूरत एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छे दिल की भी इंसान हैं। वो अपना काफ़ी पैसा ज़रूरतमंदों को डोनेट कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी एक्ट्रेस नयनतारा की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।